हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरो का प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में हुए अब तक दोनों ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसके होम ग्राउंड में ही हरा दिया और 5 मैच की सीरीज में 2 की लीड भी ले ली। इंग्लैंड यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में लगभग फ्लॉप चल रही है। तो आइए बात करते हैं थर्ड ओडीआई मैच की। यह मैच 24 सितंबर को चेस्टरले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम के 5 बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते चलते हैं, इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिन में मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 96% रहेगा तो टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं। पिच बाउंस करती है जिसके चलते यहाँ पे पेसर को एक्स्ट्रा एज मिलता है। पिच पावर प्ले में आउट स्विंग करती है, यहाँ स्विंग बॉलर को हेल्प मिलता है और उन्हें विकेट भी मिलता है। पावर प्ले में अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 36% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 57% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनके स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनका स्कोर 264 है, तो वहीं पर सेकेंड इनका स्कोर 206 है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं टीमों का एक्टिवेट भी देख लेते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 8 मैच जीत के आए तो वहीं इंग्लैंड 2 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम इंग्लैंड का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। लगातार 2 हार के बाद इंग्लैंड की टीम बैकफुट पे। अब टीम को सीरीज में बने रहने के लिए थर्ड ओडीआई मैच हर हाल में जीतना होगा। हैरी ब्रुक को यहाँ पे कप्तान बनाया गया। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि बेन डकेट एंड फिलिप सॉल्ट खेल रहे हैं। बेन डकेट ने अब तक सबसे ज्यादा 127 रन बनाए। नंबर 3 पर जो कि विल जैक उतर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रुक एंड जैमी स्मिथ होंगे। जैमी ने लास्ट गेम में सबसे ज्यादा 49 रन बनाए थे। ऑलराउंडर में हमको लाइम लिविंगस्टोन एंड जैकब बेथेल देखने को मिल रहे हैं। बॉलिंग में टीम अच्छा की है, जोफ्रा आर्चर की जगह ओलस्टोन को मौका मिला था एंड बीडन कार्स्कोन ने स्पेल की शुरुआत की थी। बीडन ने 3 विकेट लिए थे, जहाँ पे मैथ्यू पॉट्स एंड जैकब बेथेल ने 2-2 विकेट लिए। इस मैच में अनकैप प्लेयर जो कि एंडी टर्नर है और जसल भी डेब्यूट कर सकते हैं। आदिल राशिद ने इंग्लैंड के लिए ओडीआई में 200 रन विकेट पूरे किए हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि विल जैक है, फिलिप सॉल्ट है, बेन डकेट है, जैमी स्मिथ है, हैरी ब्रूक है, लाइम लिविंगस्टोन है, जैकब बेथेल है, ब्रेंडन कार्स है, मैथ्यू पॉट्स है, ओली स्टोन है, आदिल राशिद है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि फिलिप सॉल्ट है, विल जैक है, लाइम लिविंगस्टोन है। अब बात करते दूसरी टीम यानी ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। वनडे क्रिकेट का बादशाह यानी ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बेहतरीन फॉर्म से गुजर रही है। टीम लगातार 4th ODI मैच जीत के आ रही है। बैटिंग में टीम ने 270 रन बनाए, उनको डिफेंड भी कर लिया। टीम ने इस मैच को अपने फुल फेज टीम उतारी थी। प्लेइंग 11 में 3 बदलाव भी किए थे, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क और जॉस हेजल्ट को जगह मिली थी। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि मैथ्यू स्टार्ट एंड ट्रेविस हेड स्टार्ट कर रहे हैं। हेड ने अब तक सबसे ज़्यादा 183 रन बनाए। नंबर 3 पर जो कि मिचेल मार्स जो कि 60 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ जो कि अब तक फ्लॉप दिख रहे हैं, मार्नस लैम्बुच वो भी फॉर्म में दिख रहे हैं। लोअर ऑर्डर में विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने 74 रन की इनिंग खेलकर टीम को 250 पार किया था। बॉलिंग में टीम 6 बॉलर के साथ मैदान में उतर रही है, जहां पर स्टार्क एंड हेजल्ट की जोड़ी ने मिलकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। दोनों ने 5-5 विकेट भी लिए थे। एरन और हार्डी जो टीम के थर्ड पेसर होंगे। स्पिन बॉलिंग में एडम जंपर जो कि 1 विकेट लिए थे और मैक्सवेल ने 2-2 विकेट लिए थे। अब बात कर ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो कि मैथ्यू शॉट है, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ है, मार्नस लैम्बुच, मिचेल मार्स, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, एडम जंपर। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि स्टीव स्मिथ है, एडम जंपर, ट्रेविस हेड है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पर डिस्कशन कर ली। तो आगे बढ़ते हैं चलते प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। जिस तरह का खेल ऑस्ट्रेलिया ने देखा उससे टीम की ताकत का पता चलता है, लेकिन होम कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे इंग्लैंड का पल्ला भारी दिख रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम की सबसे ज़्यादा मजबूत टीम भी लग रही है। तो दोनों को स्टार्ट स्क्रोन को देखते हुए यहाँ पे मैच विनर भी ऑस्ट्रेलिया ही हो सकता है। पैसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने हुए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।